Bismillah Rahman Rahim. Today is our class on primordial implements, and in primordial implements we will study about subsoiler. So subsoiler is a primordial tool which is used to remove compaction from the soil. What does it do? This device is used to remove compaction in the soil. After the use of this device in soil, porosity is increased, bulk density decreases, and decrease in penetration resistance, soil ka jo penetration resistance hai wo bhi kam ho jata hai, and increase in infiltration, soil ka jo infiltration rate hai wo bhi increase ho jata hai. Okay, device agar aap main aapko video bhi dikha dunga aur picture bhi send kar dunga, to ye device jo hai ye is tarah ka hota hai, iske different parts jahan se ye structure ke sath attach hota hai isko kehte hain 3-point link, then the frame standard, और जो पार्ट कटिंग करता है इसको कहते हैं चीजर. सो दीज आर फोर पार्ट्स ऑफ दिस इक्विपमेंट. 3-point लिंक जहां से हम इसको ट्रैक्टर के साथ अटैच करते हैं, जहां से ट्रैक्टर इसको खींचता है, फ्रेम स्टैंडर्ड एंड द पार्ट व्हिच कट द सॉइल इज कॉल्ड चीजर. ओके, एक स्टैंडर्ड को तकरीबन 20 से 25 हॉर्स पावर की जरूरत होती है खींचने के लिए. तो अगर आपके पास छोटा ट्रैक्टर है तो एक स्टैंडर्ड लगाए, अगर बड़ा है तो दो, अगर 65 हॉर्स पावर का है तो फिर आप तीन भी लगा सकते हैं. ओके, व्हाट डज इट डू? ये जब चलता है तो नीचे जो कंपैक्टेड लेयर सॉइल पे जो कंपैक्टेड लेयर मौजूद है अप टू 30 सेंटीमीटर, तो ये सॉइल को काटता है, इसमें एक लाइन खींचता है. सो ये जो हार्ड लेयर है, जो कंपैक्टेड लेयर सोइल के अंदर बना होता है, इट इज जस्ट लाइक ग्लास. तो जब आप इसको एक दफा तोड़ते हैं तो इसमें क्रैक्स आते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स, और ये फिर अपने आप को होल्ड नहीं कर सकता. जैसे आप इसको पानी देते हैं तो ये क्रैक्स बढ़ते हैं और सोइल में कंपैक्शन खत्म हो जाता है. सो इसको चलाने से पहले जो आपके प्लांट्स थे उसकी रूट्स जो है वो यहां तक रह जाते हैं, वो नीचे नहीं आते. तो यहां पर जो न्यूट्रिएंट्स है और जो वाटर है जो भी है वो इसको अवेलेबल नहीं होता. सो आफ्टर सबसॉइलर ये जो लेयर है ये ब्रेक हो जाते हैं, रूट्स जो है ये नीचे पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो आपका क्रॉप जो है उसका यील्ड और प्रोडक्शन वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसको नीचे जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है वाटर है वो अवेलेबल हो जाता है, ये इसको पिकअप करता है और आपका प्लांट जो है वो सही ग्रोथ करता है. इसके अलावा रूट्स के लिए पेनिट्रेशन भी कम हो जाता है, रूट आसानी ट्रेवल कर सकते हैं, और बल्क डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इससे प्लांट जो है वो आसानी नशोनुमा पाता है. और इसके अलावा पोरोसिटी पोर्स इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो आसानी इन पोर्स में फिर रह सकते हैं और प्लांट्स को आसानी पिकअप करके यूज कर सकता है. सो बाय द यूज ऑफ सबसॉइलर वी कैन इंक्रीज आवर यील्ड एंड प्रोडक्शन अप टू 30%. ये टूल जो है ये बहुत ज्यादा मुफीद टूल है, हमारे फार्मर्स को चाहिए कि ये इस टूल को यूज करें. एक्चुअली ये टूल बिल्कुल भी यूज नहीं होता, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेन एरियाज है, सो इन एरियाज में ज्यादातर जो इलाके हैं उनमें कंपैक्शन मौजूद है. ये लेयर जो है ये हार्ड लेयर, इसको हार्ड पैन भी कहते हैं, ये हमारे सॉइल में मौजूद है, हमने इसको तोड़ना है. इसके लिए हमें क्या करना है, सबसॉइलर हमने यूज करना है ताकि ये लेयर ब्रेक हो जाए और प्लांट्स के जो रूट है वो नीचे तक पेनिट्रेट हो सके.